चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर से बात कर लेते हैं। उज्जैन से हैं शमशाद साहब, स्वागत है आपका। जी, वालेकुम अस्सलाम मैम। मैं जैन से बोल रही हूँ जी जी। मेरी उम्र 32 साल है। जी मुझे ना 2 साल पहले पेट में पानी भर गया था और टीबी बताई थी मुझे पेट की एक आंत में। उसके बाद 9 महीने मैंने दवाई ली थी और दवाई लेते लेते मुझे हड्डियों में तकलीफ होने लगी, हाथों की, पैरों की। हाथों की उंगलियां नहीं मोड़ रही थी और घुटने में प्रॉब्लम होने लगी। गठिया की जांच कराई तो गठिया नहीं आ रही है जांचों में। और पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, समझ में नहीं आ रहा है। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से हो रहा है, डॉक्टर ऐसा बताते हैं, तो ये कैसे ठीक होगा? ठीक। और देखिए, ये साइड इफ़ेक्ट रोकना बहुत ज़रूरी है। अच्छी दवाएं हैं, मैंने बताया एलोपैथिक दवाएं बहुत अच्छी होती हैं। टीबी का इलाज बहुत अच्छा एलोपैथ में है, इंग्लिश दवाइयों में है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। साइड इफ़ेक्ट की जिम्मेदारी यूनानी लेता है। तो अलसी आती है, अलसी आप समझती होंगे, अलसी ले लीजिए, 200-300 ग्राम ले लीजिए अलसी, साफ कीजिए, कंकर पत्थर भी मिले हुए होते हैं, और इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लीजिए। आधा चम्मच अलसी, छोटा चाय का चम्मच जो टीस्पून कहलाता है, और आधा ग्राम एक आता है गौंद स्याह, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम गौंद स्याह, आधा चम्मच अलसी, दिन में 2 बार, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, पानी से या दूध से आप ले लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। उषा देवी जी हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम, मैम की साहब से बात करनी। बात कर लीजिए। जी उषा जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। जय हिंद सर। मैंने बहुत बार फोन लगाया, आपको मिलता ही नहीं, आज कुदरत से मिल गया। जी सर, मैंने ना आपके गोंसिया मंगाया। मैं बहुत बुरी हालत थी, मेरे से कच्ची पेशाब नहीं जा रही थी ना, तो मैंने गोंसिया तीन दो तीन 4 दिन ही खाया, तो मेरा अच्छा है हाल, अब तो ठीक है। मैं सर, तो आप हंस भी रहे हो, मैं भी हंस रही हूँ। तो सर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तो टट्टी पेशाब जाने से बेहाल थी, तो मैंने 3-4 दिन ही खाया तो मैं ठीक हूँ अब। तो मैंने लीवर के लिए आपसे बात करनी थी। मैंने जैतून का नमक भी सिरका मंगवाया, वो भी पी रही है। मेरे मुझे गैस बहुत बनती है सर, मैंने प्रेशन करवाए हैं दो दो, पथरीगा और रसोलीगा, गैस बहुत बनती है। मैं आज 5-6 दिन हुए जैतून का सिरका आया, तो मैं सुबह शाम पी रही हूँ दो दो चम्मच। तो मेरे ना, मैंने एक बात पूछनी, मेरे लीवर में दोनों छातियों के बीच में ना दर्द हो रही है। मैंने टेस्ट करवाया तो बोल रहे हैं लीवर फैटी है। आप ये बताइए मुझे। ठीक है। हाँ देखिए, ऐसा भी होता है उषा जी के मरीज अपने भगवान से बहुत जुड़ा हुआ होता है, और भगवान ये भी करता है कि जैसे आपको 2-4 खुराक में 2-4 दिन में फ़ायदा हो गया, ऐसा भी होता है। लेकिन हम कहते हैं कि 2-3 महीने तो कम से कम इलाज करें, ताकि बीमारी जड़ से निकल जाए। आप पर भगवान की बहुत रहमत है, आपसे बड़ा राजी है कि उसने आपको बहुत जल्दी ठीक कर दिया। चाहें तो गौंसिया और भी ले सकते हैं। अब ये प्रोग्राम की शुरुआत से यही बात चल रही है कि लीवर का क्या करें, किडनी का क्या करें। लीवर में प्रॉब्लम होती है, किडनी में भी होती है, और अगर लीवर में प्रॉब्लम हो तो पेट की भी समस्या रहती है, यहाँ भी दर्द रहता है, तो पेट की आंतें भी में भी प्रॉब्लम रहती है, लैट्रिन की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इसका इलाज गैस्ट्रोलॉजिस्ट का आप करते होंगे, वो दवाएं चल रही होंगी, उन दवाओं को चलने दें। जो भी एसिडिटी वगैरह की दवाएं चलती हैं वो ज़रूर लें आप, और
एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून ले लें और बस एक चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, एक चुटकी रात को खाने के बाद दे लिया करें। आधा चम्मच धनिया के पाउडर से, धनिया का पाउडर आधा चम्मच खाएं और एक चुटकी नमक जैतून पानी मिलाकर आप इसे ले लिया करें दिन में एक बार या दो बार, आपकी लीवर की समस्या भी हल होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं दिल्ली से वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। गुरु जी नमस्कार। जय हिंद वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। हाँ गुरु जी, अब जैसे आप, मैंने आपका पूरा ये पढ़ा है, ये पूरा देखा है पूरा, क्योंकि मैं डेढ़ दो साल से आपसे जुड़ा हूँ। आप जैसे बचपन में आप पतंग उड़ाते थे, मम्मी पकड़ती थी, तो हम भी खेतों में जाते थे तो जैसे रोंज होता है ना नील गाय, उसको भगाते थे तो ये पैर जैसे टकला होता है ना, वो जैसे दर्द हो जाता था उनमें, तो डॉक्टर को दिखाया नहीं ऐसे ठीक, मतलब कभी थोड़ी मालिश कर लेते हुए लापरवाही की तो मतलब उनमें दर्द रहता है, कहने मतलब ये है वो स्वेलिंग से आ गए दोनों टखनों में। एक तो ये सवाल है गुरु जी, और एक था जो रेडियस का पूछा था मैंने, जो पहले कॉल की थी ना आपको पर्सनल, वो रेडियस आप बताते हैं ये क्या बोलते हैं, नासूर जो होता है, नासूर में तो थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं, रेडियस में ऐसा था कपड़ा नहीं पहन सकता बंदा क्योंकि नंगन अवस्था में होता पूरा, उसके लिए कुछ है हमारे इसमें? एक ये गुरु जी, एक मोरिंगा का टेस्ट कैसा है सिस्टर, ये सवाल एक तो ठीक। और एक गुरु जी मेरी याददाश्त बहुत कम है, ये मैंने पहले भी किया था, मैं उस दिन सुन नहीं पाया, ठीक है गुरु जी ठीक। और गुरु जी एक ये है, जीरे में कौन सा जीरा अच्छा है, शाही जीरा या सिंपल जीरा होता है, और सिर का बनाए तो कौन से जीरे का बनाए? और एक ये गुरु जी, गुड़ में जैसे तीन तरह गुड़ है, भूरा गुड़ है, चॉकलेट है, ब्लैक है, तो इनमें कौन सा अच्छा गुड़ रहेगा? ठीक, गुड़ अच्छा है, राव अच्छा है, मतलब इनमें एक गुड़ से पहले पिरके होती है राव जो बनता है वो, हाँ मैं जानता हूँ, राव का होता है जो। एक ये सवाल है गुरु जी, और गुरु जी ये क्या अजगर नागौरी और अश्वगंधा एक ही होता है क्या जी? एक ये सवाल है गुरु जी, और ये गुरु जी एक की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए कुछ बताए, क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है उनकी, वो काफी बड़े हो गए। उम्र कितनी है उनकी? उनकी होगी 20 के करीब होगी, 19-20 हो गई। ठीक। एक गुरु जी सवाल तो काफी है ठीक है, और गुरु जी ये सवाल जरूर बताते हैं, शुगर किस में कम होती है, किस अन्न में कम होती है, ज्वार में, बाजरे में, किनोवा में, या सिंघाड़ा का आटा है इसमें, या जौ में? ठीक है गुरु जी, एक ये सवाल है। अब वैसे तो काफी सवाल है गुरु जी ठीक है, और गुरु जी का दर्जा मैं तो कहता हूँ गुरु जी आपका दर्जा मतलब क्या बताएं, आप कहते हो कई क्या दर्जा है, ये गर्म है, मतलब कई जगह ठंड का है गर्म, तो आपको राम का दर्जा है गुरु जी, मैं तो आपको भगवान राम मानता हूँ गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। और गुरु जी फ्रेंचाइज के लिए मैंने बात हुई थी मेरी, तो बता दे कि भाई हम आपको स्टॉक दे देंगे, कहते फ्रेंचाइज के लिए तो वो नहीं अभी हमारे यहाँ पे, वो कहते हैं स्टॉक दे देंगे हम। हाँ मेरे बारे में कुछ सोचना ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। ठीक जी, बहुत कम वक्त है, सवाल बहुत है, बताइए इनके सर। शुगर किस चीज में कम होता है जी? सबसे ज्यादा शुगर होती गेहूं में, बाकी जितने अनाज के नाम आपने लिया उन सब में कम होती, बाजरे में और जितने भी अन्न हैं उनमें सब में कम होती, सबसे ज्यादा शुगर आटे में होती, तो जब भी आटा ले शुगर वाले तो कुछ और अन्न भी उसके साथ पिसवा लें तो शुगर कम मिलेगी उनमें, और आटे की तादाद कम रखें, सबसे ज़्यादा शक्ति भी होती है और शुगर भी होती है। दरअसल ये शक्तिशाली चीज़ है शुगर, जो हमारे जिस्म में बढ़ने के बाद हमें नुकसान देने लगती है, ग्लूकोज होता है ये, ग्लूकोज हद से ज़्यादा जो भी चीज़ बढ़ेगी वो नुकसान देती है, तो ये बढ़ना अच्छा नहीं है जी। हाइट कम करनी है एक 20 साल के बच्चे की? हाँ, पहली बार ऐसा कॉल आया है, उनकी हाइट को रोकिए नहीं बल्कि उन्हें कैल्शियम वगैरह दिया करें ताकि जितनी ग्रोथ करनी है करनी है। अब उनकी हाइट 20 और 22 तक ही बढ़ती है, किसी की 22 साल भी हो जाती है, अब उनकी हाइट रुक जाने का ही वक्त है, कोई दवा मत दीजिए, बस उनके लिए दुआ करिए, कोई भी दवा मत दें और कैल्शियम दें, क्योंकि ग्रोथ कर रहे हैं तो कैल्शियम की ज़रूरत अधिकतर पड़ती है। याददाश्त हकीम साहब? याददाश्त के लिए दो चुटकी रोज़ाना हल्दी
खा लिया करें, गर्म पानी से लेंगे तो बहुत फ़ायदा। ये दिमाग से खूब अच्छे से खून बहाती है, हमारे दिमाग से खून जितनी तेज़ी से बहता है उतना फ़ायदा हमारे दिमाग को होता है। जी, चित्तौड़ से हैं शहनाज खान, स्वागत है आपका मैम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी भाई, बहुत आपसे ये दवा ले रही हूँ अंकिन सर की, वो बहुत कुछ फर्क है, लेकिन मेरे पड़ोस में जो एक लड़की है वो 13 साल की है, और उसको है ना बुखार आया था, उसके बाद वो 70 आके गिर गई थी, फिर वहाँ पे उदयपुर में जांच कराई तो उसको कुछ ऐसे प्रॉब्लम के 6 महीने आपकी गोली चलेगी, तो वो हमने वो तो चालू ही है, लेकिन फिर भी हकीम साहब से बात करना थी कि इसको कोई ऐसी दवा दें ताकि इसके ही मर्ज ही खत्म हो जाए और ये देने में उसको फर्क लगे तो। और मैंने बहुत सारी दवाएं भी मंगा रखी हैं, और जो हमारे पड़ोसी हैं या हमारे रिश्तेदार हैं जो जो भी कहते हैं तो मैं उनको वो दवा मंगा के देती हूँ, और इंशाल्लाह बहुत कुछ फर्क होता है उनको। तो मैं हकीम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह बहुत कुछ अच्छे हो रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे जो अर्जन को जो यूरिक एसिड थी उनको भी बिल्कुल सही हो गए, लेकिन उसने ना उस लड़की का मुझे आप दवा बताइए। जरूर, चलो शुक्रिया, जजाकल्ला, सलामत रहें। बच्ची की फिक्र मैं समझ सकता हूँ, एक माँ को कितनी बच्ची की फिक्र हो सकती है। वो कोर्स ज़रूर पूरा करें जो डॉक्टर्स ने उनको चला रखा है, उसे बिल्कुल ना रोकें। और अलसी, अलसी तो आप जानती ही होंगी, इसको 200-300 ग्राम लेकर हल्का सा भून लें और साफ भी कर लें, कंकर पत्थर भी बहुत मिला देते हैं बेईमान लोग, और इसका पाउडर बना के रख लें, और चाहें तो इसको आप जितनी अलसी है उतने ही शहद में मिलाकर रख दें तो ये महफूज हो जाती है, 3-4 साल तक ख़राब नहीं होती। इसका 1 चम्मच इस बच्ची को रोज़ खिलाना है, या चाहे सफूफ खिलाएं, चाहे माजून बना लें शहद डालकर, और नमक जैतून के पानी से खिलाना है, नमक जैतून का पानी 1 चुटकी पानी मिलाकर इससे खिलाया करें, बच्ची को बहुत फायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब, स्वागत हमारी बहन का। हाँ देखिए भाई साहब, आपको हम कितना याद करते हैं, आपको सुबह भी और अब भी इसकी आपकी रहती है जी। हम इतने याद करते हैं कि कितनी परेशान करने लग गई इसके आपको। आप कैसी हैं बताइए। हाँ ठीक हूँ भाई साहब, अरे मेरे 2-3 क्वेश्चन भी है भाई साहब। ये बताओ, एक बच्ची है उसको 5 महीने जितना बच्चा हुआ है इतनी रसोई है बच्चेदानी में, तो उसको ये देसी दवाई देनी ठीक है या ऑपरेशन करवाना ठीक है। और एक सवाल और है भाई साहब, ये जो कालजा होता है ना जिसको जिगर बोलते हैं कालजा, ये ऊपर सिर्फ दूसरा मरीज है वो 32 साल की मतलब बहू है जिसको रसोई है, 5 महीने का बच्चा इतनी बड़ी हो रही है वो। और दूसरी एक है 40 साल की मरीज भाभी है मेरी गांव में, उनका जो ये कालजा है ना जिगर, ये ऊपर सोजन आ रही है और खुजली खुजली हो रही है पूरे शरीर में, और नींद ना आती, सिर में बहुत दर्द रहता है और मतलब फीवर आया रहता 24 घंटे उनको, नींद नहीं आती। तो ये 2-3 नुस्खे हैं भाई साहब, एक मैंने नुस्खा भी बनाया अपनी तरफ से, जो मैंने सफेद मिर्च पूछी थी ना आपको व्हाइट वाली, वे 20 ग्राम और 150 ग्राम धागे वाली मिश्री और 150 ग्राम बादाम और 150 ग्राम सौंफ, भाई साहब मैंने ये आंखों के लिए बनाई है, जो थोड़ा सा आंखों में गाढ़ापन सा दिख रहा था ना, वो 1 चम्मच गर्म दूध के साथ ली है तो इससे काफी आराम है, तो आप इसका अनुभव करके मेरे को बताना कि ये ठीक है या नहीं। ठीक जी, तो कुछ कहना चाहती है।
कट गए जी। जी हकीम साहब, रसोली वो बता रही हैं इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी है जैसे पाँच महीने का बच्चा हो, तो उसको रिमूव कराना बेहतर है, ऑपरेशन कराना बेहतर है। वो ना इतना इंतज़ार कर पाएंगे, ना मैं सलाह दूंगा कि कोई और इलाज करें, और उनके लिए दुआ भी करूंगा कि कामयाबी से उनका ऑपरेशन हो जाए। और क्या सवाल है? एक 32 साल की हैं जिनके कलेजे में सूजन, खुजली, सर में दर्द, जी मचलाता है। हाँ, उनको नमक जैतून दें एक चुटकी दिन में दो बार, एक एक चुटकी पानी मिला के। और कलेजा लीवर को ही कहते हैं, कलेजी या कलेजा या लीवर एक ही चीज़ है। लीवर ठीक होगा तो वो पूरी अच्छी हो सकती है, और उनका जी मचलाना भी अच्छा हो सकता है। जी, आंखों के लिए एक नुस्खा बनाया उन्होंने जी। हाँ, वो मैं उसका जवाब दूंगा आपको तजर्बा करने के बाद। अब तो हमारी बहन भी तजर्बा करने लगी, और उम्मीद है कि ये और ज़्यादा लोगों की सेवा करेंगे जी।